मी डेंजर आहे, माझा नाद करू नका. इत्रपिंडे नारिंडना गुल्ला हटिया रंग माझा वेगळा. बद्दल बोल शिवान. ए हा अभी सुनो गाइस, रंग माझा वेगळा सिरियल चल रही है, वन साइडेड चल रहा है, सब एकदम मस्त है. और वो घाऱ्या डोळे वाला बड़ा इंसान वो मुझे बहुत पसंद है, अभी भी है. लेकिन इतना मेंगड़ा डॉक्टर मैंने मेरी जिंदगी में ना देखा हो कि उसने उसके पत्नी को अभी बच्चा होने वाला है. ठीक है, मतलब वो ब्लैक बहू को. सो ब्लैक बहू को बच्चा होने वाला है, सब खुशी का माहौल चल रहा है, वन साइड इज्जत चल रही है, इधर उधर इज्जत मिल रही है कि अरे वाह 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 आपके घर परी आने वाली है, परा आने वाला है, जो भी है. और वहां पे वो घारे जी को किसी ने झूठी, ये उसका एक्सीडेंट हो गया था उसके दौरान, उसको किसी ने झूठी खबर पहुंचा दी कि भाई तू पिताजी नहीं बन सकता. तो डर गया, उसने अपनी चेकिंग की पिताजी बन सकता है कि नहीं, और चेकिंग करने के बाद फिर से वही सेम रिपोर्ट आई कि तू पिताजी नहीं बन सकता. ओके, अब ये डॉक्टर है, ये रिपोर्ट दे रहा है, बार बार रिपोर्ट इसी और को दे रहा है, वो लेके आ रहा है, इसको रिपोर्ट दे रहा है कि तू पिताजी नहीं बन सकता. तीन बार तू पिताजी नहीं बन सकता, तू पिताजी नहीं बन सकता, तू पिताजी नहीं बन सकता बे. और उसको अचानक कॉल आते, तेरी भाई को है ना, उसको होने वाला बच्चा तेरा नहीं बताई क्या बे. और वो भी एकदम वन साइड नड़ रहा है, मेरा बच्चा मेरा नहीं है, किसका बच्चा है. और वो बेचारा उसको कुछ, वो अपने भाई को भी, भाई को, अरे इतनी प्यारी वो बेचारी लड़की, इतनी सच्ची है, उसने आपको साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया सासू माँ के सामने. लेकिन ये नल्ला उस पर डाउट ले रहा है, और ऊपर से उसको पूछ भी नहीं रहा है. और वो अचानक से कहीं चल रहा होता है, वो काली बहू चल रही होती है, उसका वो फ्रेंड, अचानक वो फ्रेंड के उसका पाए सटकता है, वो उसके भाव में ऐसे गिरती है, और उसी टाइम पे वो बंदा आके उसको देख लेता है. अरे क्या चल रहा है, ऐसे कोइंसिडेंस कहां पे होते हैं, आईचा गावा देंचा रे, कौन लाता है. एक कर रहे नल्ले, दो मिनट रुक रहे नल्ले, और वो टेंशन में आ गया गाइस. अब उसके घर पे वो बच्चे का वो कुछ प्रोसीजर नहीं, कुछ है पार्टी-विर्टी सासू माँ ने ऑर्गेनाइज किया. और बताओ, जो सासू माँ उसको हेल्प कर रही थी, वो सासू माँ भी बहू को प्यार करने लगी है, क्योंकि सासू माँ के आजी ने उसको बता दिया है कि इसकी माँ जो है वो बहुत अच्छी है, उसने कुछ नहीं किया है, उसने वो किया ही नहीं था, वो अलग बंदे ने किया था, वो एकदम निर्दोष है. तो सासू माँ की आंखें खुल गई, काले लोगों का द्वेष है उससे हट रहा है. अचानक से घारा है ना, ये घारा आता है, वो देखता है उसको, मेरा बच्चा नहीं है वो. सासू माँ साफ करके घारे का कान फाड़त मारती है, मतलब बताओ इतनी सीरियल चल रही है, वो काली बहू और सासू माँ के बीच में भांडण, और अचानक घोरा आके बोल रहा है कि मेरा बच्चा नहीं है. सासू माँ ने साफ करके मारा, वो बेचारी काली बहू उठ गई और क्या बात कर रहे हो, ये कब हो गया, अरे आपका ही बच्चा है, शम्मा डक के लिख के देती हूँ. लेकिन विषय क्या है, घारे डोले वाले को तीन बार रिपोर्ट आई. अरे डॉक्टर है या मनहूस, अरे तू खुद रिपोर्ट ले, खुद अपना टेस्टिंग कर, खुद जा लाइव रिपोर्ट ले और देख ले, तू पिताजी बन सकता है, ट्रस्ट मी घारे जी. ये क्या कर रहे हो, अपनी इतनी अच्छी एक में पत्नी के ऊपर तुम डाउट ले रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है. अरे काय को इतने एपिसोड, और ऊपर से वो एपिसोड में इतना पूर्वा सूत्र चलता रहता है, 15 मिनट तो पूर्वा सूत्र भी देखने में जाते हैं. मुलगी जाली का, अरे मुलगी जाली में वो काका, वो उसको वो बोलती है, बोलती है कि मुझे आपके आंखों मतलब से मेरा नाम सुनना है. अरे पिछले अठौड़ा हो गया, वो सीरियल के स्टार्टिंग में वही है, माऊ माऊ माऊ, अरे काय माऊ 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 कंटाला आणलाय, वो बारसा होने वाला अभी. अरे सुन करण, अभी उस माऊ का बारसा भी होने वाला है, पिताजी बारसा करने वाले हैं उसका. और उसके घर में वो भाई आई, वो बोलते माऊ नाम है इसका, दूसरा कोई नाम नहीं रखा. तो पिताजी अचानक एड़ा आला, पिताजी बोल रहे मैं बारसा रखेगा, उसका नाम मैं करेगा. और वो नाम रखने के लिए अपने बच्चे की और खुद की गाड़ी बेच दी, और उसके अभी पोस्टर लगाने वाला है पूरे घर में और घर के बाहर. वो क्या रहता है, वो क्या कहते हैं उसको, बड़े बड़े पोस्टर रहते हैं वो, होल्डिंग्स लगाने वाला है. और वो येड़ा हो गया है, मतलब ठीक है तुमको प्यार आ गया है, व्यवस्थित है, सगड़ा परफेक्ट है, लेकिन जरा और नहीं लग रहा है ये पिताजी है, आप तुम्हारा प्यार जागृत हुआ. अरे तुम अपने बच्चे को जन्म लेने से पहले मारने वाले थे तुमने, और वो आजी ने मिलके उसको जहर खिलाया था, लेकिन वो गूंगी हो गई बेचारी. और अब तुम दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम पिक्चर के हीरो हो गए हो, इतना अच्छा कौन होता है बे. ठेवणार आता ग, क्या नाम रखा था नाही माऊ का, लेकिन विचित्र गाइस ये सीरियल.
मुझे सीरियल बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अभी है ना उन लोगों का प्यार कुछ ज्यादा दिखा रहे, कुछ ओवर दिखा रहे। मतलब पिताजी अभी एड़े हो गए, पिताजी बोले मैंने बचपन से उसको इतना प्यार नहीं दिया, अभी मैं उसको प्यार दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बच्चियों को प्यार करता हूँ और लड़कियों लड़कों से भी लड़कों से लड़कियां कम नहीं है। उसको अब पता चला जब उसको बार बार बचाया गया, इज्जत बचाई गई उस नल्ले की। अरे हर बार क्यों प्रूफ करना पड़ रहा है सबको? और वो बेचारी काली बहू, अरे वो अपने आप को प्रूव कर करके थक गई है, बट फिर भी अभी उस पे इस चीज का आल लग रहा है कि उसका बच्चा उसका नहीं है, दूसरे का है, और वो भी वो व्हाइट कलर का बॉय। आज मैंने डोसा खाया, आज मैंने इडली खाई, और ये खाते खाते रंग माजा देख रहा था, उसमें वैसे ऐसा है कि अब वो घारे डोले वाले से शादी करनी है डॉक्टरनी को, जो उसकी सहेली थी, ठीक है। और अब मैटर ऐसा है कि जो डेढ़ अकल वाली बहू है उसको उस डॉक्टरनी ने भेजा ऑफिस में डील करने के लिए कि भाई उस काली को मत लेके जा, तू अपने आप को लेके जा ताकि तेरे को इज्जत मिले, क्योंकि सासू माँ तो तुझसे प्यार करती है। लेकिन डील थोड़ी अलग थी, डील जो कर रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी केस डाला हुआ है सासू माँ पे कि वो काले वर्ण का विरोध करती है इसी के बात पे। और वो बहू जाके उधर सासुर जी को बोलती है, ससुर जी मैं हूं ना उनकी गोरी पान बहू, काली भी पान बहू कैसे का चाहिए, उनको पसंद नहीं, आपको पता है ना काली बहू, उन्हीं के सामने बोल रही। वन साइड वो भड़के, ये निकले डायरेक्ट सासू माँ देखी, सासू माँ और वो दोनों का आमना सामना, अब हम कोर्ट में मिलेंगे मोहतरमा, आपका काले वर्ण पे रोष अभी तक नहीं गया, अभी उसको करोड़ों खर्चे होने वाले हैं, कुछ टेंशन नहीं है क्या, करोड़ों रुपए आने वाला है। एक बहू को थप्पड़ मिली डेढ़ अक्कल वाली को, और वो डॉक्टर नहीं है, उसको कॉल किया सासू माँ ने, क्या है तू क्या कर रही है, अक्कल है क्या ना है अपन मिलके? तो वो देखिए आप मुझे मत सिखाइए मुझे क्या करना है, मैं अपने तरीके से काम करती हूं। अबे नल्ले सॉरी नल्ली अपने तरीके से काम करेगी, अरे पूरा का पूरा करोड़ों का नुकसान कंपनी को ताला लगाने की बारी आएगी, फिर वो घारे डोले के कम इधर कांधे पे बैठ के क्या इधर इधर घूमेगी माकड़ तोंडे, ऐचा गावत इज्जत है माकड़ तोंडी, अरे एकदम बकवास चल रहा है सब कुछ, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। वो बेचारी काली आई अपनी, मतलब काली नहीं अपन बोलेंगे, अपन उसको इज्जत देंगे, वो बहू आई अपनी सावली वाली, उसको बिना वजह का सुनना पड़ा कि तू लेट आई है आई, अरे क्या चल रहा है, रंग माजा वेगड़ा विचित्र है। और आई शपथ गाइस रंग माजा वेगड़ा में उसका आज रंग गोरा था, वो किसी भी तरह से काली नहीं दिख रही थी, अजीब सा मेकअप है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट को इज्जत है, रोज अलग अलग लेवल के पैच मार रहा है विषय।